नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम जानेंगे कुछ महान संस्थाएं इतिहास के अंदर और उनसे संबंधित व्यक्तियों के बारे में, किस किस ने उन संस्थाओं की स्थापना की थी। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो बढ़ते हैं आज की अपनी वीडियो में आगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्रह्म समाज की। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। उसके बाद बात करते हैं आर्य समाज की। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। उसके बाद बात करते हैं प्रार्थना समाज की। तो प्रार्थना समाज की जो स्थापना है वो आत्माराम पांडुरंग ने की थी। इसके बाद बात करते हैं दीने इलाही मनसबदारी प्रथा की। तो इसकी जो स्थापना है वो अकबर के द्वारा की गई थी। इसके बाद आता है हमारा भक्ति आंदोलन, जिसकी स्थापना रामानुज ने की थी। उसके बाद आता है हमारा सिख धर्म, जिसकी स्थापना गुरु नानक जी ने की थी। बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध, जिन्हें महात्मा बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने की थी। जैन धर्म की स्थापना महावीर स्वामी ने की थी। इस्लाम धर्म की जो स्थापना है वो की थी हिजरी संवत हजरत मोहम्मद साहब ने, यानी कि उनके नाम से हिजरी संवत के नाम से कैलेंडर जारी किया गया था, जिसे हिजरी संवत कहा जाता है। हजरत मोहम्मद साहब के द्वारा वो जारी किया गया था। आगे बात करते हैं पारसी धर्म की, जिसकी स्थापना जथुरदस्त ने की थी। आगे बात करते हैं शक संवत। तो शक संवत की जो स्थापना है वो कनिष्क ने की थी। यह भी एक कैलेंडर है, शक संवत। आगे बात करते हैं मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, तो ये था चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद बात करते हैं न्याय दर्शन, ये गौतम बुद्ध को कहा जाता था न्याय दर्शन। उसके बाद बात करते हैं वैशेषिक दर्शन, महर्षि कणाद, उनको वैशेषिक दर्शन कहा जाता है। सांख्य दर्शन, महर्षि कपिल। उसके बाद बात करते हैं योग दर्शन की, तो योग दर्शन महर्षि पतंजलि को जाना जाता है। मीमांसा दर्शन, महर्षि जैमिनी। तो रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना है वो की थी स्वामी विवेकानंद जी ने। गुप्त वंश का जो संस्थापक था वो था श्री गुप्त। खालसा पंथ, गुरु गोविंद सिंह, जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। मुगल साम्राज्य का संस्थापक था बाबर। इसके बाद आता है हमारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर व बुक्का, इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। इसके बाद आता है हमारा दिल्ली सल्तनत की स्थापना, ये की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसके बाद आता है हमारा सती प्रथा का अंत, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा का अंत किया था। इसके बाद आता है हमारा अगला क्वेश्चन आंदोलन के बारे में, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, खेड़ा चंपारण, नमक भारत छोड़ो आंदोलन, ये सब आंदोलन किसने चलाए थे। तो ये सभी जो आंदोलन थे ये महात्मा गांधी के द्वारा चलाए गए थे। इसके बाद हमारा आता है आगे हरिजन संघ की स्थापना, तो यह भी हरिजन संघ की जो स्थापना थी महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी। इससे आगे हमारा क्वेश्चन आता है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की, तो यह की थी रास बिहारी बोस ने। इसके बाद आता है हमारा भूदान आंदोलन, ये भूदान आंदोलन जो चलाया था ये चलाया गया था आचार्य विनोबा भावे के द्वारा। आचार्य विनोबा भावे जिन्होंने भूदान आंदोलन चलाया था। इसके बाद आता है हमारा रेड क्रॉस, तो रेड क्रॉस की अगर हम बात करते हैं तो रेड क्रॉस की जो स्थापना है वो की थी हेनरी ड्यूनेंट ने। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। स्वराज पार्टी की स्थापना पंडित मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। इसके बाद आता है हमारा अगला गदर पार्टी की स्थापना, यह की थी लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। इसके बाद आता है वंदे मातरम के रचयिता। वंदे मातरम जो कि हमारा राष्ट्रीय गीत है, इसके जो रचयिता थे वो थे बंकिम चंद्र चटर्जी। इसके बाद आता है स्वर्ण मंदिर। स्वर्ण मंदिर हमारा अमृतसर के अंदर है, जिसे गुरु अर्जुन देव सिंह ने बनवाया था। इसके बाद हमारा आता है बारदोली आंदोलन, यानी कि बारदोली सत्याग्रह के नाम से भी इसे जाना जाता है, और ये चलाया गया था वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। इसके बाद आता है पाकिस्तान की स्थापना, तो पाकिस्तान की स्थापना की मांग सबसे पहले उठाई थी मोहम्मद अली जिन्ना ने, जिन्होंने पाकिस्तान की मांग की सबसे पहले घोषणा की थी।
इसके बाद आता है हमारा इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, तो यह की थी सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। इंडियन एसोसिएशन की जो स्थापना है वह सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा की गई थी। तो इसके बाद अगली जो संस्था है वह ओरुविले आश्रम की स्थापना अरविंद घोष के द्वारा की गई थी। ओरुविले आश्रम इसकी स्थापना अरविंद घोष ने की थी। फिर आता है रूसी क्रांति के जनक किन्हें माना जाता है, तो लेनिन को रूसी क्रांति का जनक माना जाता है। इसके बाद आता है हमारा जामा मस्जिद का निर्माण। जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, शाहजहां ने करवाया था। शाहजहां कौन था, मुगल शासक था शाहजहां। इसके बाद आता है हमारा विश्व भारती की स्थापना किसने की थी, तो जो विश्व भारती है उसकी स्थापना की थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। उसके बाद आता है हमारा दास प्रथा का उन्मूलन, यह अब्राहम लिंकन के द्वारा किया गया था। दास प्रथा का जो उन्मूलन है वो किया था अब्राहम लिंकन ने, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे। उसके बाद आता है हमारा चिपको आंदोलन, यानी कि चिपको आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जो पेड़ों पे चिपक के पेड़ों की रक्षा के लिए चलाया गया था। इसको शुरुआत किया, इसकी जो शुरुआत है वो की थी सुंदरलाल बहुगुणा जी ने, इसकी स्थापना इसकी शुरुआत की थी। इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो आता है बैंकों का राष्ट्रीयकरण सबसे पहले किसने किया था, तो यह इंदिरा गांधी जी ने किया था जो भारत की प्रधानमंत्री हुआ करती थी। तो उसके बाद आता है ऑल इंडिया वीमेंस कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसने की थी, यह की थी श्रीमती कमला देवी ने। इसके बाद आता है भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी, यह की थी एम एन रॉय ने। एम एन रॉय के द्वारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। इसके बाद हमारा आता है नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसने की थी, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की थी शेख अब्दुल्ला जी ने। इसके बाद आता है हमारा संस्कृत व्याकरण के जनक किन्हें माना जाता है, तो यह पाणिनि को माना जाता है संस्कृत व्याकरण के जनक, यानी कि व्याकरण की जो स्थापना की थी, व्याकरण की जो रचना की थी वो की थी पाणिनि ने। इसके बाद आता है हमारा सिख राज्य की स्थापना किसने की थी, तो महाराजा रणजीत सिंह ने सिख राज्य की स्थापना की थी, महाराजा रणजीत सिंह जी ने। और भारत की खोज किसने की थी, तो वास्को डी गामा ने सन 1498 के अंदर भारत की खोज की थी, वास्को डी गामा ने। ये थे हमारे 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट संस्थाएं और समाज सुधार आंदोलन जिनसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि वीडियो पसंद ना आए तो वीडियो को डिसलाइक कीजिएगा और ये ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको पसंद क्यों नहीं आई। थैंक यू।